नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इनकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स यानी कि भौतिक विशेषताएं क्या होती हैं तथा भविष्य में कौन कौन से क्षुद्र ग्रह हैं जो आने वाले हैं, इन सब की जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, क्षुद्र ग्रह छोटे आकार के ग्रह हैं जो हमारे सौर मंडल के आंतरिक हिस्सों में पाए जाते हैं। ये सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं तथा इनका आकार समान ग्रहों के मुकाबले बहुत छोटा होता है। दोस्तों, ये ग्रहों की परिभाषा को ठीक तरह से साबित नहीं करते हैं, जिस कारण इन्हें क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड नाम दिया गया है। कई मिलियन क्षुद्र ग्रह सौर मंडल में विराजमान हैं। इनका आकार कई मीलों या फिर कुछ फीट तक का होता है। भले ही क्षुद्र ग्रह आकार में इतने छोटे होते हैं, तब भी वे बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, अतीत काल से ही कई क्षुद्र ग्रह हमारी धरती से टकराते आए हैं, जिसके कारण कई अप्रिय घटनाएं हुई हैं। ऐसी संभावना है कि भविष्य में भी कई छोटे बड़े क्षुद्र ग्रह धरती से टकराते रहेंगे। अपनी परिक्रमा पथ एवं भौतिक विशेषताओं के कारण ये वैज्ञानिकों के बीच हमेशा चर्चा का विषय बने हुए रहते। दोस्तों, बात आती है कि इनका निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों, आज से लगभग 5 बिलियन वर्ष पूर्व जब हमारे सौर मंडल का निर्माण हो रहा था, तो उसमें से जो कुछ कण बच गए उनको एस्टेरॉयड कहते हैं। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि बृहस्पति, ये जिसको इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जब यह बन रहा था, तब इसके बड़े आकार के कारण कुछ कण ग्रह नहीं बन पाए, और आज उसके टुकड़े करोड़ों की संख्या में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों, एस्टेरॉयड को उन उल्का पिंडों की श्रेणी में भी रखा जाता है जो हमारे वायुमंडल प्रवेश नहीं कर पाते एवं धरती की सतह तक नहीं पहुंच पाते। अतः एस्टेरॉयड अनियमित आकार के होते हैं, लेकिन कुछ जैसे कि सिरस गोल आकार के हैं। इनकी सतह पर छोटे बड़े गड्ढे पाए जाते हैं। वेस्टा नाम के क्षुद्र ग्रह पर लगभग 450 किलोमीटर लंबा गड्ढा है। ऐसा माना जाता है कि इनका सतह पूरी तरह से धूल से ढका हुआ है। एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। कभी कभी वे परिक्रमा करते हैं और कभी कभी असामान्य तरीके से एक दूसरे से टकराते रहते हैं। करीब 150 क्षुद्र ग्रह के अपने चंद्रमा भी हैं, और इनमें से कई के दो दो चंद्रमा भी। दोस्तों, बाइनरी या डबल क्षुद्र ग्रह भी पाए जाते हैं, जिनका आकार एक दूसरे के लगभग बराबर होता है और वे एक दूसरे की परिक्रमा भी करते हैं। कई एस्टेरॉयड दूसरे ग्रह को गुरुत्वाकर्षण बल के पकड़ में आके उस ग्रह की परिक्रमा करने लग जाते हैं। कई बार वे उन ग्रह को ग्रहों के चंद्रमा का रूप भी ले लेते हैं, जैसे कि मंगल ग्रह के चंद्रमा फोबोस एवं डीमोस, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून इत्यादि ग्रहों के चंद्रमा भी कुछ इसी प्रकार बने हुए हैं। इन क्षुद्र ग्रहों का औसत तापमान -100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। कई करोड़ों सैलून से क्षुद्र ग्रहों की भौतिक स्थिति ठीक उसी प्रकार से बनी हुई है जो उनके बनते वक्त थी। इस कारण वैज्ञानिक और सौर मंडल के शुरुआत की स्थिति के बारे में शोध कर पा रहे हैं। कुछ क्षुद्र ग्रह पूरी तरह से ठोस स्थिति में होते हैं, तो कुछ गैस एवं धूल का मिश्रण होते हैं। इनमें से कुछ के शनि ग्रह की तरह रिंग नहीं होते हैं। इनमें से कुछ हमारी धरती के लिए खतरनाक हो सकते हैं, जबकि कुछ छूकर निकल जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऐसे क्षुद्र ग्रहों की जो आने वाले भविष्य में धरती के पास से गुजरने वाले हैं। तो दोस्तों, ये नासा की आधिकारिक वेबसाइट है, नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी है। उनके सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज़ के अनुसार अर्थ इम्पैक्ट मॉनिटरिंग डेटा उन्होंने बनाया है, जिसके अनुसार जैसा कि आप देख सकते हैं कि जितने भी एस्टेरॉयड आने वाले हैं 2012-10 से लेके 1880 तक, जितने भी एस्टेरॉयड आने वाले हैं उनकी संभावनाएं कितनी हैं, कितनी वेलोसिटी से, एस्टिमेटेड वेलोसिटी से आने वाले हैं, उनका डायमीटर क्या रहने वाला है, सारी डिटेल इस वेबसाइट में दी हुई है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में एस्टेरॉयड 1998 OR2 पृथ्वी के करीब 63 लाख किलोमीटर दूर से 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकल गया। हालांकि इसकी पृथ्वी से कोई टक्कर नहीं हुई, लेकिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक ऐसे करीब 22 एस्टेरॉयड हैं जो आने वाले सालों में धरती के करीब आ सकते हैं, जिनकी हमने अभी लिस्ट बताई आपको, जिनकी टक्कर की संभावना भी हो सकती है। अगर किसी तेज रफ्तार स्पेस ऑब्जेक्ट की धरती से 46.5 लाख मील से करीब आने की संभावना होती है, तो उसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन खतरनाक मानते हैं। नासा का सेंट्री सिस्टम ऐसे खतरों पर पहले से ही नज़र रखता है। इसमें आने वाले 100 सालों के लिए फिलहाल 22 ऐसे एस्टेरॉयड हैं जिनसे पृथ्वी के टकराने की थोड़ी सी भी संभावना है। इस लिस्ट में सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है एस्टेरॉयड 29075, जो 2880 तक नहीं आने वाला है। इसका आकार अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का भी 3 गुना है, और एक समय माना जाता था कि पृथ्वी से टकराने की इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। दूसरा है एस्टेरॉयड एपोफिस। एस्टेरॉयड एपोफिस का डायमीटर 1214 फीट का है, और इसके 2060 या 2105 के बीच पृथ्वी को नुकसान पहुँचा संभावना जताई जा रही है कि धरती से करीब 19,000 मील दूर से निकलेगा। दोस्तों, एक और इस लिस्ट में है एस्टेरॉयड बेन्नू। एस्टेरॉयड बेन्नू का डायमीटर 1608 फीट है। हालांकि इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना कम है, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो यह साल 2175 से 2199 के बीच। दोस्तों, बात करते हैं सबसे नज़दीक वाले क्षुद्र ग्रह की। दोस्तों, सन 2020 से 25 के बीच में 2018 VP1 नाम का एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने की संभावना है, लेकिन यह सिर्फ 7 फीट का चौड़ा है। इससे बड़ा 177 फीट का एस्टेरॉयड 2005 ED 224 साल 2023 से 2064 के बीच पृथ्वी से टकरा सकता है।
दोस्तों इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे हमारे चैनल के। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एवं शेयर करें इस वीडियो को, ताकि बाकी लोगों को भी इनकी जानकारी मिल सके।